तो हाँ जी, क्या हाल चाल? तो भाई आज मैं करने वाला हूं दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन। और दोनों ही स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, एक तो बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी थी और एक हाल ही में लॉन्च हुई है। हाल ही में जो लॉन्च हुई उसका नाम है Vivo X100 और जो बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी थी उसका नाम है Oppo Reno 10 Pro Plus। जी हाँ, इस दोनों स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए ना एक यूज़र है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था। आप साइड में देख सकते हैं, इस भाई ने रिक्वेस्ट किया था। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनको परचेस करना है, अब पुराना वाला मॉडल लें या फिर लेटेस्ट Vivo X100 को परचेस किया जाए, सब कुछ बात करूंगा। वैसे बता दूं, Vivo X100 की जो प्राइस है वो है 64,000 के आसपास और यहाँ लॉन्च किया गया है। वहीं Oppo Reno 10 Pro Plus की बात करें तो उसकी प्राइस 55,000 के आसपास लॉन्च किया गया है। तो देखा जाए दोनों प्राइस रेंज का जो डिफरेंस वो है 9,000 रुपये का, यानी कि 9,000 रुपये बचा के पुराना वाला मॉडल यानी कि Oppo Reno 10 Pro Plus को परचेस करना चाहिए या फिर हाल ही में एकदम से लेटेस्ट Vivo X100 को परचेस करना चाहिए 9,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको, मैंने आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, मुझे उम्मीद जहाँ तक हेल्पफुल हुआ तो जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट अनूप, आप तेरे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि Vivo X100 या Oppo Reno 10 Pro Plus इस रेस में सबसे आगे कौन निकलती है। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo की, तो यहां आपको ना टॉप नॉच क्वालिटी का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली। जी हाँ, ग्लास बैक के साथ एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट यहां देखने को मिलता है। लेकिन Oppo की बात करें तो इस मामले में Oppo पीछे रह जाती है। जी हाँ, ग्लास बैक के साथ प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रंट देखने को तो मिल जाती है, लेकिन एल्युमिनियम फ्रेम यहां देखने को नहीं मिलती, जो कि Vivo में आपको देखने को मिलती है। तो प्लस पॉइंट Vivo को तो एक मिल ही जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि फ्रंट में किस चीज का प्रोटेक्शन दोनों में दिया गया है। तो Vivo की बात करें तो बताया तो कहीं नहीं गया है, लेकिन पता चला है सोर्स की तरफ से, कुछ हमारे यूजर्स भी हैं जिन्होंने अपडेट किया था जो पिछले बनाया था मैं, तो बताया गया था कि शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं Oppo की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है ADG DT Star 2 ग्लास का प्रोटेक्शन। यदि कंपेयर करें तो मुझे जहां तक पता चला है कि Oppo का थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब प्लस पॉइंट है यहां पर, बाकी सब ठीक, कोई खराब नहीं है। लेकिन फोन का वेट दोनों में कितना अंतर है, तो बात करते हैं Vivo की। तो इस फोन का वेट है 206 ग्राम, थिकनेस 8.5 mm, साथ ही आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही Oppo की बात करें तो इस फोन का वेट है 194 ग्राम, थिकनेस है 8.3 mm, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको IP की रेटिंग यहां देखने को नहीं मिलती है। तो इस मामले में भी Oppo पीछे रह जाता है, Vivo आगे निकल जाता है। यानी कि आप पानी वानी में बरसात में निकल सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कतें से निकलना मत, निकलना भी नहीं चाहिए, ऐसे कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, लेकिन बचा जा सकता है। अब बात करते हैं दोनों में दिखने में कैसा है, यानी कि डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन की बात करें तो दोनों में आप देख सकते हैं टॉप पर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ, लेकिन बता दूं कि Vivo में आपको सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है, वहीं ओवल शेप में आपको देखने को मिलता है Oppo में। नीचे दोनों के ही ब्रांडिंग मेंशन है Vivo और Oppo का। लेकिन फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ दोनों में ही आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन बॉडी रेशियो की बात करें तो दोनों में ही 91-92% के आसपास, यानी कि वेजर्स और चीन पतली सी होने वाली है। लेकिन लिटरली डिजाइन मुझे Vivo का ज्यादा पसंद आ रहा है, बाकी सबका अपना अपना पसंद है, वो तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, सबकी अपनी पसंद होती है। लेकिन मुझे, मुझसे पूछोगे पर्सनली, Vivo तो ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन कलर्स की बात करें तो Vivo X100 में दो कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लैक ब्लू, लेकिन Oppo में भी आपको दो ही कलर्स मिलेंगे, ग्रे पर्पल। कलर्स के मामले में पर्पल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, ब्लू कलर जो है ना Vivo में थोड़ा सा प्रीमियम फील दे देता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन देखने में लगता है, क्वालिटी अच्छी लगती, कैमरा हाउसिंग अलग लेवल का लगता है। खैर, सबकी अपनी पसंद है। लेकिन अब बात करते हैं दोनों में ही कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कैसा डिस्प्ले देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। सबसे पहले बात करते हैं Vivo X100 की, तो यहां पर देखने को मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट का Vision X 8T LTPO 3 AMOLED पैनल, 2800x1260 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 453 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 3000 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड बैंड L1, डॉल्बी विजन सपोर्ट, भाई साहब शानदार है, कोई खराब नहीं है यहां पर। रिकंपेयर करेंगे Oppo से, बताएंगे किसका डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन यहां पर अच्छा खासा
क्या ब्राइटनेस मिल रही है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, 1.5K का डिस्प्ले है, 10 बिट्स का कलर, कलर शानदार है, स्क्रीन साइज भी अच्छी है। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे तो स्मूथनेस नजर आने वाले कंटेंट का जूम करेंगे तो तीनों में ही आप HDR कंटेंट अगर देख सकते हैं। लेकिन कंपेयर करेंगे ओप्पो से तो यहां आपको देखने को मिलेगा 6.74 इंच की 1.5K 10 बिट का OLED पैनल, 2772x1240 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 451 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 300 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट, HDR 10 प्लस वाइड वाइन L1 यहां भी अच्छी है, कोई खराब नहीं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से लेकिन कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली बेटर मुझे नजर आता है Vivo X100 का डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। दोनों में एक फर्क ज्यादा है नहीं, लेकिन ठीक है, Vivo X100 का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। ब्राइटनेस सब कुछ अच्छी दे रखी है, यहाँ पर भी लेटेस्ट है तो अच्छा, कोई खराब नहीं। यहाँ भी कोई खराब नहीं है, यहाँ पर भी ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत, 10 बिट्स का कलर सबको अच्छे मिलेंगे, यहाँ भी 1.5K का डिस्प्ले है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर जिसको करेंगे स्मूथनेस नजर यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाली है। कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो नेटफ्लिक्स पर सपोर्ट नहीं है, अमेजन यूट्यूब में HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं। लेकिन सवाल है दोनों में ही परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo X100 की, तो इस फोन को शक्ति देगा MediaTek की तरफ से Dimensity 9300 प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीट उसे काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर जो वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है ना, वो काम चलाओ वाला दिया गया है। जी हाँ, मतलब ठीक ठाक है, हल्का मुल्का तो हीटिंग देखने को यहाँ मिला है। जितने मेरे सोर्स पता चला है, जितने मेरे यूजर्स यूज कर रहे हैं, आप जैसे फैमिली में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने बताया मुझे पर्सनली मेल करके। यदि आप में से कोई है तो कमेंट करके जरूर बता देना, मेल करने की जरूरत नहीं, इसी में आप कमेंट कर देना। लेकिन हीटिंग इशू देखने को मिला है, लेकिन चलिए देखते हैं कितना पावरफुल है, यानी कि रॉ सुपर तरफ यहां मिलेगा 4 Cortex X4 जो कि 3.25 GHz क्लॉक किया गया, 4 Cortex A720 जो कि 2 GHz क्लॉक किया गया। परफॉर्मेंस तो लिटरली बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा हीटिंग इशू देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देख ध्यान देंगे तो Cortex 520 वाला जो है ना, वो आपको देखने को मिलता ही नहीं है यहाँ पर, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। लेकिन हाँ, ठीक है, कोई खराब नहीं है, गेमिंग आराम से 90 FPS तो आराम से कर सकते हैं। मिलता है Immortelis G720MC12GPU LPDDR5X UFS 4.0 वाला स्टोरेज, 5T सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया में आपको 5X का सपोर्ट मिलेगा, 5T का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। तो परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन बात करें यानी कंपेयर करें ओप्पो से, तो ओप्पो को शक्ति देता है Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिक से बनाया गया, एनर्जी से अच्छी रहती, हीटिंग काफी कम देखने को मिलता है, थर्मल मैनेजमेंट का भी सपोर्ट यहां अच्छा खासा दिया गया। लेकिन कंपेयर करेंगे तो ओप्पो का जो वेपर चैम्बर कूलिंग जो है वहां पर अच्छा खासा दिया गया है, तो हीटिंग देखने को नहीं मिलता है यहां पर। हां, देखते हैं कितना पावरफुल है, यानी कि रॉ सुपर तरफ यहां मिलता है 1 Cortex X2 जो कि 3 GHz क्लॉक किया गया, 3 Cortex A710 जो कि 2.75 GHz क्लॉक किया गया, 4 Cortex A510 जो कि 2 GHz क्लॉक किया गया। तो भाई बटरी स्मूथ है, परफॉर्मेंस शानदार, लेकिन कंपेयर करेंगे MediaTek थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं इस मामले में। यहां पर भी आप आराम से 60 FPS 90 FPS गेमिंग कर सकते हैं। Adreno 730 GPU LPDDR5X UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलती है, तो रीड एट की आपको अच्छी मिलती है, यहां थोड़ा सा फास्ट, स्लाइटली फास्ट मिलता है Vivo में। लेकिन यदि हम ऑनटू स्कोर की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि Vivo में आया है 21 लाख का स्कोर, वहीं Oppo में 12 लाख का ही मिला है, तो भाई साहब पता चल गया कौन सा बाजी मारता है। थोड़ा सा हीटिंग का इशू देखने को मिला यहाँ पर, यदि उसको हम मतलब नज़रअंदाज करते हैं तो ठीक है, ज़्यादा गेमिंग करें तो हीट हल्का हो जाता है यहाँ पर, लेकिन गेमिंग अच्छा निकाल देता है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस के देखेंगे तो मैं तो कहूँगा भाई साहब 8 Plus Gen 1 मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि हीटिंग का देखने को नहीं मिलता है। और हाँ, कैमरा पिक्चर्स क्वालिटी में जो प्रोसेसिंग होती है तो सर स्नैपड्रैगन की बेहतर होती है MediaTek से, तो मेरे हिसाब से 8 Plus Gen 1 मुझे अच्छा लगा। लेकिन नया देखेंगे तो भाई नो डाउट Vivo X100 अच्छा खासा है, लेकिन 5G बैंड आपको दोनों में ही 11 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं उनके लिए जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, कैमरा स्पेशली लेना चाहते हैं कैमरा के लिए कि हाँ भाई मैं ब्लॉगिंग करूँ, अच्छा क्वालिटी निकल का है, पिक्चर्स क्लिक अच्छी हो, चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। तो बात करें Vivo X100 की, यहाँ आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा। पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX920 सेंसर, वही 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, सैमसंग का JN1 सेंसर, वही 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ, ओमनी विजन OV64B सेंसर जो कि 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर आपको Vivo V2
चिप देखने को मिलता है जो पुराना वाला है मिला है, जो कि इमेज प्रोसेसिंग को बेहतर कर देता है। तो इस मामले में तो वीवो आगे निकल जाता है, क्वालिटी शानदार निकल के आती है, जहां से 8K24 FPS, 4K60 FPS, 1082 40 रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए कंपेयर कर लेते हैं वीवो ओप्पो की तरफ से, ओप्पो में कितना क्या मिलता है। तो ओप्पो मिलता है ट्रिपल कैमरा, यहां मिलता है पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट, सोनी IMX 890 सेंसर, 4 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, ओमनी विजन OIS सपोर्ट के साथ, OV64D सेंसर, 3x ऑप्टिकल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, सोनी IMX 355 सेंसर, मारी सिलिकॉन XL चिप्स के सपोर्ट के साथ ये भी इमेज प्रोसेसिंग बेहतर करता है। क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, लेकिन स्लाइटली बेटर आपको वीवो एक्स हैंडल देखने का, क्योंकि थोड़ा सा नया क्वालिटी का दिया गया तो शानदार क्वालिटी वहाँ निकल जाता है। तो इस मामले वीवो एक्स हैंडल भी आगे स्लाइटली आगे निकल जाता है, लेकिन इस प्राइस रेंज में भी ओप्पो का कैमरा खराब नहीं मैं कहूँगा, शानदार है, 9000 रुपया बचा के लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको खाली 8K मिल जाता है, 8K24 FPS, 4K60 FPS, 1080 40 रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8K का सपोर्ट मिलता है। लेकिन सवाल है कि आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील शॉट्स बनाने के लिए फ्रंट में दोनों में कितना मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। तो दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन ओप्पो में IMX709 सेंसर दिया गया है, वीमो में कहीं मेंशन नहीं हो पाया है कहां क्या नहीं मिला, लेकिन दोनों सही आप 4K 30fps 1080 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 10 दोनों ही ऑप्शन दिया गया 30fps तक। तो कैमरा के मामले में कहूंगा दोनों ही बेस्ट है, कोई खराब नहीं है। हाँ, 9000 रुपया एक्स्ट्रा लगाएंगे तो कैमरा आपको और अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये भी खराब नहीं है। लेकिन बात करें दोनों ही फोन को जान फूंकने के लिए कितना एमएच की बैटरी दी गई है, चलिए बात करते हैं बैटरी की। बात करें वीवो की तो इस फोन को जान फूंकने के लिए 5000 एमएच की बैटरी, 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। लेकिन वहीं ओप्पो की बात करें तो ओप्पो स्मार्टफोन को जान फूंकने के लिए 4700 एमएच की बैटरी, 100 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। तो यहां पर देखा जाए तो वीवो बाजी मारता है बैटरी और चार्जर के मामले में, लेकिन दोनों में आपको चार्जर बॉक्स देखने को मिल जाती है, बैकअप दोनों में ही सही निकाल देता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन स्लाइटली बेटर वीवो एक्स 100 का है। जी हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फ्रंट कैमरा, क्षेत्र पुटर, एनएफसी, आईआरएस सब मिल जाएंगे, यूजी टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टूडियो स्पीकर। लेकिन फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है तो 3.5mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके दोनों ही सॉफ्टवेयर के बारे में। वीवो की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स फन टच ओएस 14 देखने को मिलता है, जहाँ पर देखने को मिलते हैं वही हॉट ऐप हॉट गेम देखने को मिलते हैं। लेकिन पॉलिसी की बात करें तो 3+4 का है, 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट। लेकिन ओप्पो की बात करें तो पुराना मॉडल होने के कारण यहाँ आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स, कलर ओएस 13.1 देखने को मिलता है, ब्रॉडकास्ट भी होते हैं यहाँ भी हटा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी यहाँ भी 3+4 का ही है, 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। इस मामले में यदि लेटेस्ट लेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा देखने को एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाता है, बस यही फर्क है, लेकिन दोनों ठीक है। यदि आप एंड्रॉइड 2-3 साल चलाना है तो आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स और प्राइस की, तो उससे पहले जल्दी से यहाँ तक बने हैं ना, अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, 150 टारगेट है पहुंचाइए, पैसा नहीं है फ्री लगता है भाई, मुझे बेनिफिट मिल जाती है यहाँ पर, और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ, जितना भी आपके फ्रेंड और फैमिली जितने सर्किल में सबको शेयर करिए, यदि परचेस करना है तो उनको हेल्प हो जाएगा, और चैनल परिवार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करने से मुझे बेनिफिट मिल जाती है, आपके लिए फ्री होती है लेकिन मुझे बेनिफिट मिल जाती है। खैर बात करते हैं वेरिएंट्स और प्राइस की। पहले बात करेंगे वीवो एक्स 100 की, तो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, पहला है 12+256 जिसका प्राइस है 63,999, वहीं 16+512 जिसकी प्राइस है 69,999। वहीं हम बात करें ओप्पो की तो फिलहाल एक ही वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है, 12+256 जिसकी प्राइस है 54,999। तो यहाँ आपको वेरिएंट्स एक ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, दोनों फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, फिलहाल अभी एक ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है ओप्पो का। तो अब बात करते हैं किसके तरफ जाना चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन की बात करें सबसे पहले बात आता है डिज़ाइन, तो देखिए पर्सनली मुझे तो वीवो का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा है ओप्पो से, ओप्पो का भी जो लेटेस्ट अभी 11 भी रेनो आ रही है उसका भी डिज़ाइन ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं है, 10 का भी ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं था उस टाइम, तो वीवो का थोड़ा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी आप सबकी अपनी पसंद होती है। लेकिन बात करें डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, OS सब कुछ, यहां तो अभी देखा जाए तो वीवो बाजी मारता दिख रहा है, लेकिन ओप्पो खराब नहीं है, 9000 रुपये बचा के ओप्पो रेनो 10 प्रो
को लिया जा सकता है प्रोप्लस को, वो भी कोई खराब नहीं है उस प्राइस रेंज में। हाँ पैसे ज़्यादा हैं, नॉर्मल एक्स्ट्रा लगा सकते हैं तो फिर वीवो एक्स तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा यदि आप बचाना चाहते हैं भाई पैसा बचा के ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस की तरफ ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप वेट कर लीजिए, ओप्पो रेनो 11 प्रो प्लस भी लॉन्च होगा तो उस वक्त का भी कंपेरिजन वीडियो बन जाए कितना प्राइस रेंज में, उस तरफ से देखा जा सकता है। बाकी चॉइस आपके ऊपर है किसी तरफ जाना चाहेंगे, मैंने सब कुछ बता दिया है। वीवो भी कोई ख़राब नहीं है, आपको सर हीटिंग का प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिला इसका प्रोसेसर में, तो उसको यदि आप भाई झेल सकते हो तो ले सकते हो, 9000 एक्स्ट्रा लगा के हीटिंग वीटिंग देखने को मिलेगा। हाँ यहाँ ओप्पो का बेल मेंटेन है, हीटिंग देखने को नहीं मिलता है। खैर आपका क्या ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, किसी तरफ जाना चाहेंगे वीवो X100 या फिर ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस की तरफ, जो था कमेंट सेक्शन पर। और भाई जो पूछे थे आप, शायद आपको हेल्प मिल गई होगी कि किसे मैंने आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, जरूर बताना कमेंट सेशन पे कि आपका क्या चॉइस है, आप किस किसकी तरफ जाना चाहेंगे, जरूर देख कमेंट सेशन पे। और दूसरी वीडियो टॉपिक वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बन जाएगी, टाइम जरूर दीजिएगा यहाँ पर। और कमेंट क्या कीजिए, आपके एक कमेंट से मुझे बेनिफिट मिल जाती है थोड़ा सा, और यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी लगता है, व्यूज़ में हेल्प हो जाती है। और क्या, ऐसे प्यार बरसाइए, सपोर्ट करिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।